Assalamualaikum and बहुत सारा welcome आपको करते हैं program picnic with Chef Ahmed Sher season 3 sponsored by Shema Kinola Cooking Oil and Banaspati बनाने वाले Associated Industries Limited जिला Nowshera और उम्मीद है आप सब ठीक हैं और होंगे और खुश भी होंगे और आज का प्रोग्राम एक दफा फिर Nowshera के बिल्कुल आसपास हम करेंगे और Nowshera एक छोटा शहर नहीं है कैंट एरिया है जी और इसके आसपास के इलाकों की बात की जाए तो ये देखें कि इस साइट पे ये सारा Nowshera आपको नजर आएगा साथ में ये कोड़ा खटक और जांगीरा भी है और फिर इस साइड पे आप जाते हैं तो Nowshera कला आता है और फिर उसके बाद मर्दान आता है मर्दान के बाद अगर पिशावर साइड पे आप जाते हैं तो आपको रास्ते में तारू जबा पबी और इसके अलावा फिर पिशावर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो Nowshera से जुड़े हुए हैं Nowshera से बहुत सारी खूबसूरत यादें यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के खाने मिलते हैं यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ और जो Nowshera जिसकी वजह से मशहूर है मानकी शरीफ मराजे और इसके साथ ही तंगे और साथ में काका साहब और भी कुछ इलाके पलाई उगे ये मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपको पाकिस्तान का नहीं दुनिया का बेहतरीन माल्टा मिलता है अब हमने ये जो सफ़र शुरू किया है जायके का तो हमने सोचा क्यों ना आपको यहाँ के माल्टे जो है वो उनके बाग में जाया जाए देखा जाए कि यहाँ की मिट्टी में ऐसी कौन सी खूबी है जो माल्टा यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो कहीं और नहीं होता या यहाँ के माल्टे में जो रसीलापन है या जो मिठास है जो पानी है वो किसी और माल्टे में क्यों नहीं खानपुर का माल्टा भी बहुत अच्छा है स्वात मलकंड साइड पे आप जाते हैं पलाई का माल्टा भी बहुत अच्छा है इसके अलावा अगर सरगोधा की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि सरगोधा के जो माल्टे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं लेकिन वहाँ का किन्नू बहुत अच्छा है लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं मानकी शरीफ की बात करते हैं तो यहाँ पर जितना भी माल्टा प्रोड्यूस होता है वो तकरीबन एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल्टा होता है और बहुत मज़े का होता है तो आज यहाँ की कुछ खूबसूरतियाँ कुछ यहाँ से अच्छी यादें और कुछ यहाँ के बाहात की सैर करेंगे और फिर उसके बाद मज़े मज़े की कुछ खाने की रेसिपी वो भी डेफिनेटली किसी होटल में जाके बनाएंगे लेकिन आपको पता है कि हमें स्पॉन्सर किया है शमा किनौला कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति घी बनाने वालों ने तो डेफिनेटली उसी में बनेगा आपने हमारे साथ रहना है और आज का प्रोग्राम इंजॉय करना है आज का प्रोग्राम यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा और उसको आप बहुत इंजॉय करेंगे तो रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीजन 3 ओनली ऑन के2 टीवी जायका होता है जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि मानकी शरीफ में या फिर मराजी की जो माल्टे हैं काका साहब के बहुत मज़े के होते हैं और बहुत अच्छे और बहुत रसीले होते हैं तो मैं मानकी शरीफ में ही एक बाग में हूँ और यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि माल्टे बहुत सारे लगे हुए सीज़न है और इस दफ़ा माशाल्लाह जो फसल हुई है बहुत आला क्वालिटी की हुई है और बहुत ज़्यादा मिकदार में भी और मेरे साथ छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हुज़ैफ़ा जो है वो मौजूद है हुज़ैफ़ा ही नाम है ना आपका क्या नाम है आपका सुनम दीदी हुज़ैफ़ा 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 जी मेरे साथ है और इस वक्त जो है माल्टों की कटाई जो है वो हो रही है और यही बात है कि अगर आपने भाई कि ये माल्टे अगर तो कम से कम भी आप एक महीने तक रख सकते हैं लेकिन अगर 3-4 दिन 5 दिन गुजरते हैं तो इसकी फ्रेशनेस में कोई कमी नहीं आती स्टोर करने पे जब आते हैं क्योंकि कुछ बाग वाले ऐसे भी हैं जो इनकी काफ़ी टाइम बाद इसकी कटाई करते हैं फिर इसको स्टोर भी करते हैं और स्टोर किस तरीके से करते हैं मैं भूल गया लेकिन पश्तो में मुझे उसका नाम आता है बुसों में स्टोर करते हैं वही अब बुसों ये देखिए ये रेड ब्लड ये वो रेड ब्लड जो है ये मिल गया हमें इसमें मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो माल्टे हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं और कटाई भी इसकी ऐसी ही है आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग इसलिए है कि यहाँ पे जो माल्टे हैं वो बहुत मज़े के हैं और अच्छे हैं तो खाने भी खाने की चीज़ है
कहाँ बहुत सारी खूबसूरतियाँ आपको दिखती हैं नौशहरा के आसपास के इलाकों में, वहाँ पे दरियाए काबुल जो है बहुत खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट यहाँ पे होते हैं और रेस्टोरेंट में जाके अगर आप खाना खाते हैं और वो आपकी मनपसंद खाना हो तो डेफिनेटली मज़ा बहुत आता है। फिर अगर बात की जाए यहाँ के माहौल की तो सर्दियाँ तो चूँकि ख़त्म होने वाली हैं और अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं है लेकिन मेरी तरफ से ख़त्म होने वाली है, हालांकि मैंने डबल एक तो जैकेट पहनी हुई ऊपर से नीचे जो स्वेटर है वो भी अलग से पहनी है, वो अलग बात है लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि नहीं, सर्दी ख़त्म होने वाली है। तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको केयर करना पड़ता है और करनी भी चाहिए, लेकिन पिकनिक मनाने के लिए आपको जहाँ पर मुख्तलिफ स्पॉट दिखाए, जहाँ पर आपको दिखाया गया है जी कि आपने अगर मानकी शरीफ जाना है तो वहाँ पर बनस्पति घी बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं तो उसी में बनाएंगे, तो चल के रेसिपी बनाते हैं और देखते हैं कि आज की रेसिपी में क्या है और कितने मज़ेदार हैं। वेलकम बैक आपको करते हैं जी प्रोग्राम पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीज़न 3 और आज आपके सामने एक दफ़ा फिर शमा किनोला कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनका कहना है कि ट्रिक हेल्दी फार्मूला पे बना है, आपके सेहत के लिए बेहतरीन है। बारबेक्यू आपने बहुत जगहों पे खाया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन हाजी गुलशेर साहब के होटल में आके अगर आप बारबेक्यू यहाँ से खाएंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा और आपको अच्छा लगेगा। आज हम बना रहे हैं जी, एक तो हमारे पास सीख कबाब है। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन भाई, आज हम क्या बना रहे हैं? सीख कबाब है। सीख कबाब में अगर मसाला दिखा दें थोड़ा सा कि मसाला किधर पड़ा हुआ है, मसाला जो इसका बना है। मसाला तो हम रखते हैं ये पड़ा हुआ है ना, ये वाला मसाला। हाँ ये दे दें, ये दिखा दें कि इधर रखें ज़रा, ताकि कुछ ये यहाँ पे रखें। ये देखें मसाला, ये हमने रख दिया, ये मसाला आपने बनाया, इसमें क्या क्या डाला है? इसमें तो हमने बहुत कुछ डाला हुआ है। बहुत कुछ, मसलन क्या क्या? जीरा है, गरम मसाला है, ठीक है, कीमा। कीमा कौन सा है, बीफ का है, मटन का है, चिकन का है? बीफ का कीमा है। अच्छा, बीफ का कीमा डाला है और मसाले क्या डाले? प्याज डाले, ठीक है, प्याज डाला है, मसाला डाला है, लहसुन, अच्छा, अदरक वगैरह, सही, गरम मसाले, ये सारे मसाले आपने इसमें डाले। अच्छा, कुछ सीख कबाब बना के दिखा देना था कि हम इस तरह, ये तो एक तो बना ही रहे, लेकिन आप कहेंगे कि अब इसमें शमा किनोला कुकिंग ऑयल का क्या किरदार है? जब कभी भी आप बारबेक्यू करते हैं और बारबेक्यू में जब आप इसको थोड़ी सी ऑयलिंग करते हैं तो डेफ़िनेटली उसका जो जायका होता है वो बहुत मज़े का आता है, एक स्मोकी फ्लेवर आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। और हम हमेशा ये देखें, ये सीख कबाब इस वक्त बन रहे हैं, लेकिन हम हमेशा ऐसा करते हैं कि जी जब कभी भी ये अभी आहिस्ता आहिस्ता और कम हीट पे बनाते हैं ना, तो हमने क्या करना है कि जी शमा का जो हमारे पास ऑयल है हम थोड़ा सा वो इसके ऊपर कहाँ से डालेंगे, आप डाल के दिखाएं, हल्का हल्का, अच्छा हल्का थोड़ा सा ये ऑयल, एक मिनट में, ये वैसे तरीका इनका ये होता है, इस पे ये डाला, इस पे, ठीक है, ये हाँ ये ऐसे लगाया, थोड़ा सा और लगाएंगे, ये देखें थोड़ा सा और ले लें, ये हमने ऑयल लिया शमा का और फिर उसके बाद हम इसको ये देखें कि अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगाने के बाद स्मोक आना शुरू होती है। जब कभी भी आप बारबेक्यू करते हैं और बारबेक्यू में हल्की सी ये जो स्मोक आती है, इसका जो जायका आता है, इसकी जो खुशबू आती है वो बहुत मज़े की होती है, बहुत अच्छी लगती है और यकीनन वो होनी भी चाहिए कि वो मज़े की हो, अच्छी हो। तो लिहाजा बेहतरीन तरीका यही है कि जब कभी भी आप सीख कबाब बनाएं तो सीख कबाब के लिए आपका मसाला पहले अच्छे तरीके से बना होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको प्याज आप इसमें जब डालते हैं
तो एक किलो में तकरीबन कितना, एक किलो कीमा है तो प्याज कितना होना चाहिए? एक किलो प्याज डालते हैं, एक किलो प्याज डाल उसका पानी निकाल लेते हैं। और अगर उसके अलावा जो है पानी किस तरह, मतलब कपड़े में बांध के निचोड़ के निकाल, बांध के उसको निचोड़ते हैं। अच्छा, निचोड़ के उससे पानी निकल जाता है। सही, फिर इस कीमे में उसको मिक्स कर देते हैं, उसको मिक्स करते हैं। सही, मसाले वगैरह डाल के मिक्स करते। मसाले आपने बताया कि जीरा डाला, जीरा, सुरख मिर्च, सुरख मिर्च, धनिया, और इसके अलावा सूखा पुदीना डालते हैं, सूखा पुदीना, जीरा डालते हैं। ये देख लें, सूखा पुदीना भी डालते हैं। एक और सीक्रेट का भी इनका पता चल गया कि अमूमन ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बीज में डाली, लेकिन एक अच्छा जायका आपको ज़रूर आता है। ये कहते हैं कि इन्होंने इसमें सूखा धनिया भी, उसको वो भी ऐड किया। तो फिर मसाले को रखते हैं कुछ देर के लिए या डायरेक्टली अगर बनाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा? डायरेक्ट ही बनाते हैं, बस उसमें जायका आ जाता है, जायका आ जाता है। आप कितने अर्से से ये काम कर रहे हैं? 20-22 साल हो गए। और इस रेस्टोरेंट में कितना अर्सा हो गया आपको? कितना ही अर्सा हो गया यहाँ पे एक होटल में, माशाल्लाह आपको 20-22 साल हो गए। तो अच्छा, आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि ये 20-22 साल आपने इस होटल में क्यों गुजारे? वजह? बस मालिक अच्छा है मेरे साथ, अच्छा हेल्प करता है, ठीक है, हाँ, और जो मेरा जरूरत होते है वो पूरा करते हैं। तो जब आप आए थे उस वक्त आपकी क्या तनख्वाह थी? उस वक्त तो थी तकरीबन, वही सच बताइए, सच बताइए, हाँ सच सच बताइए, तनख्वाह तो मेरी बहुत कम थी, मतलब 3,000। नहीं, आज से अगर 22 साल पहले इनकी तनख्वाह 3,000 थी तो इसका मतलब ये है कि 3,000 रुपये आज से 22 साल पहले आज के मुताबिक कम से कम कोई 30,000 तो होते होंगे। 25-30, यानी अगर आज की बात हो तो 25-30 हज़ार हो, और 22 साल पहले आपने उसमें इन्होंने शुरू किया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बहुत कम आंच में हम इसको सेंक रहे ताकि कबाब अच्छे तरीके से बारबेक्यू हो, ऐसा ही है ना? अच्छा, इसको ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको, अभी बारबेक्यू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस दौरान हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सामने कबाब जो है वो प्रेजेंट करेंगे और आप उसको फिर एंजॉय तो स्क्रीन पे करेंगे, लेकिन मैं उसको यहीं पे एंजॉय करूँगा और मैं बताऊँगा जी कि वो कितने मज़े के बने। वेलकम बैक, आपको करते हैं जी पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीज़न 3। आप देख रहे हैं और यहाँ के रवायती खाने जो कि बहुत मज़े के हैं, जो बहुत अच्छे हैं और यकीनन आपको अच्छे लग सकते हैं अगर आप उसको एंजॉय करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा हमने और सेकना है। ये देखें, यहाँ से ये बनना शुरू हो गए, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है ना, ये वाले, ये जो कलर आना शुरू होता है तो इसका मतलब यही होता है कि ये वाले जो है बहुत मज़े के बन गए हैं और ये ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपने कम कबाब बनाने हो तो आप यही कहेंगे कि ये मतलब धीमी आंच पे हम लोग बनाएं। ये देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कलर इसका चेंज शुरू हो गया है और ये आना ये देखें शुरू हो गया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि कबाब में भी अमूमन ऐसा ही होता है कि जब कभी भी आप टाइम लगाते हैं या कुछ भी करते हैं या बारबेक्यू करते हैं तो उसको आप बहुत हल्की आंच पे रखेंगे। अच्छा, अगर पंखा फर्ज करें हम लगाएं, बाज़ औक़ात हमें जलती होगी तो फिर हम पंखा इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा ही है ना? अच्छा, ये दिन में तकरीबन कितने का कीमा आप बना लेते हैं? 8-10 हज़ार। कितने? 8-10 हज़ार। 8-10 हज़ार रुपये के बिक जाते हैं, लेकिन नहीं कितना कीमा वैसे बनाते हैं आप? कितना बनाते हैं? हाँ जी, कीमा ये बनाते हैं 6-7 किलो। 7 किलो, 7 किलो बीफ का कीमा जो है वो अमूमन बनता है। ये ले लें आप। अच्छा, एक दफ़ा फिर आपको बताते चले जी कि हमारे स्पॉन्सर जो है वो शमा किनोला कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति बनाने वाले एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड नौशेरा है, और इनके हमेशा जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो किनोला ऑयल है
या वनस्पति घी है आपके खानों को और आपके दस्तरखानों को एक अच्छा और बेहतरीन जायका देते हैं। यकीनन इसमें आप कुछ भी बनाएंगे, चाहे वो रवायती सतह पे हो, चाहे वो मुल्की हो, गैर मुल्की, कोई भी रेसिपी आप बनाएंगे तो आपको यकीनन अच्छा लगेगा और आप उससे इंजॉय कर सकेंगे। और इन करना भी चाहिए, लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है कि आप जब कुकिंग करते हैं या आप सीख रहे होते हैं या फिर नए लोगों को सिखाते हैं तो वही अच्छा लगता है। ये इधर से ले लें, थोड़ा सा मैं आपको दे दूँ, थोड़ा सा ये ऑयल, आप ये ऑयलिंग, ये लास्ट वाली ऑयलिंग है जो कि ये कर रहे हैं। फिर इसके बाद यही धुआं उठता है और यही स्मोक जो है वो आपके बारबेक्यू को एक अच्छा और बेहतरीन फ्लेवर देता है। याद रखिए कि जब कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तो आप बारबेक्यू करें तो उसके लिए ऑयल का इस्तेमाल जो आपका है वो बेहतरीन होना चाहिए, ताकि जो आपके बारबेक्यू है, चाहे वो सीख कबाब है, चाहे वो टिक्का है, बोटी है, मलाई है, कुछ भी है, उसको अच्छा फ्लेवर मिले और वो आपके सेहत के लिए भी बेहतरीन हो, तो डेफिनेटली फिर चीज़ अच्छी बनती है और अच्छा भी लगता है। और जब कभी भी इस तरह बारबेक्यू से ये जो धुआं होता है तो आसपास जितने लोग होते हैं उनका दिल करता है कि वो इस बारबेक्यू को ट्राई करें। ऐसा ही है ना, या नहीं मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही है तकरीबन कि मैं ये इसको ट्राई कर लूँ, मैं इसको खाऊँ, इसको बना के और इसको इन्जॉय जो है वो कर लूँ, तो ऐसा ही होना चाहिए। और अब इस ये है कि ये बन गए हैं तकरीबन, अब इसमें बने वाले कौन से हैं? ये दो बन गए हैं, ये इन दो को आप निकालिएगा ना, ताकि इनको भी आप प्लेट में देखें, सजा लें, ये देख लें। हाँ, ये आप देखें कि ये इसके साथ ही हम अगर ये शीख कबाब ये यहाँ से हटा लें, ये ले लें और ये इसको हम यहाँ रखते हैं। ये देखें कि हमने क्या किया जी, के हमारे पास जो हमारे स्पॉन्सर है वो शमा किनोला कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं, और उनका कहना ये है कि क्विक हेल्दी फार्मूला पे बने हैं। कबाब थोड़े से गर्म हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी हैं और मज़े के भी हैं। ये देखें कि अब इसको ट्राई करना जो है वो, बहुत मज़े के माशाल्लाह। आप अगर 22 साल से ये काम कर रहे और इसी एक ही रेस्टोरेंट में करें तो इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में जो जायका है या आप जो बनाते हैं वो बहुत अच्छा होता है, तो बहुत मज़े के हैं। और यकीनन आप देखने वाले जितने भी हैं हम उनको भी कहेंगे कि अगर आप आके यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे खाएंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बनाएं, लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं ना, लेकिन कबाब अमूमन टूट जाते हैं घर में, टूट जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसको मसलना पड़ता है ना, सही? अच्छा, तरीके से मसलना पड़ता है। जितना ज़्यादा मसलो उतना वो नहीं टूटेंगे। अच्छा, जितना ज़्यादा मसलेंगे उतने ज़्यादा वो नहीं टूटेंगे। ये सख्त हो जाएंगे थोड़ी देर बाद? जी हाँ, ये सख्त हो जाएंगे। तो फिर इसको नरम है ना? हाँ जी, अभी एक 5 मिनट के बाद ये सख्त। तो फिर दोबारा अगर इसको नरम करना होगा तो गर्म करना पड़ेगा, फिर नरम हो जाएंगे, याद रखिए अगर आप पैकिंग करके लेके जाते हैं। और एक दफ़ा ये इस वक्त बहुत सॉफ्ट है, ये देखें इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम है, ठीक है, सॉफ्टनेस इसकी आप चेक कर लें। लेकिन अगर आप थोड़ी देर गुजरती है तो फिर ये सख्त होंगे। अब क्या करना है कि आपने दोबारा अगर इसको गर्म करना है तो फिर आप इसको क्या करेंगे कि दोबारा गर्म करेंगे तो ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे और वैसे ही आपको जायका मिलेगा जैसे कि आपको चाहिए। तो अगर आपने और बहुत सारा फूड इन्जॉय करना है और आप चाहते हैं जी कि आप ये खाने खाएँ तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। और अगर आपने घर में बनाना है तो हम आपको ये कहेंगे कि शमा किनोला कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति बनाने वाले जो आपको इतनी अच्छी ऑफ़र करते हैं वो, ये मैंने ख़राब कर दिया इसको ज़रा आप, हाँ पहले यूँ, अच्छा ऐसा, ये तरीका, ये देखें, एक और निकाल के दिखा दें ताकि उसका भी पता चले जी कि, ये देखें पहले यूँ फिर यूँ, ये तरीका है ना, सही तरीका, ओरिजिनल प्रोफेशनल लोगों का अपना ही तरीका होता है, उनको पता होता है कि जी अगर बारबेक्यू में वो इतने अरसे से है तो वो कैसे इसको, हाँ अभी मैं देखें, अब देखें मैंने पहले यूँ किया और फिर उसके बाद यूँ बहुत सॉफ्ट तरीके से ये निकल आए हैं। दूसरे से एक दफ़ा फिर कर देते हैं, ये देखें पहले आपने यूँ किया और फिर उसके बाद आप बड़े आराम से तरीके से इसको निकाल सकते हैं, इसको इंजॉय कर सकते हैं।
अच्छा जी, यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आज का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया और साथ में इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखते रहिए पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीज़न 3, स्पॉन्सर्ड बाय शमा किनोला कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड नौशेरा और के2 टीवी। देखते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।